मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करना है दोस्तों, नए आईपीओ लॉन्च होने के बाद कैसे शेयर परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप देखिए दोस्तों। ये शेयर जबरदस्त रैली कर रहे हैं दोस्तों, और ये सभी नए आईपीओ आने के बाद के ही है दोस्तों। ये सभी नए आईपीओ है दोस्तों, और ये शेयर आप देख सकते हो। अभी फर्स्ट स्टॉक है दोस्तों ई मुद्रा लिमिटेड। ई मुद्रा में आज 7.6% की रैली हो चुकी है दोस्तों। ये शेयर 400 को जल्दी ही क्रॉस कर देगा दोस्तों। आप देख सकते हो 377 रुपीज़ पे आज के दिन क्लोज हुआ है ये शेयर। और देखिए एक शेयर लिस्ट हुआ है दोस्तों 256 रुपीज़ पे। 3 जून को ये शेयर लिस्ट हुआ है दोस्तों मार्केट में। 3 जून को ये लिस्ट हुआ है 256 रुपीज़ पे, और वहाँ से ये अभी 377 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है दोस्तों। और देख सकते हो 47% की रैली हो चुकी है दोस्तों, इसमें 2 महीनों में ही 47% की रैली हो चुकी है। इसका मार्केट कैप देखिए दोस्तों, बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। 2960 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों, बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। ये रिस्की स्टॉक भी आप पकड़ सकते हो दोस्तों, ये जितनी जल्दी भाग रहा है उतनी जल्दी नीचे भी आ सकता है दोस्तों, तो कॉशियसली इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। इस कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है दोस्तों, मगर ये मोनोपोली स्टॉक जैसा भी है दोस्तों, मगर ये शेयर स्मॉल कैप कंपनी है और अभी बुल रन में भाग रहा है दोस्तों, तो नीचे भी आ सकता है ये शेयर। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड। ये भी कंपनी अभी अभी लिस्टेड हुई है दोस्तों मार्केट में, और ये हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है दोस्तों। और आप देख सकते हो रेनबो चिल्ड्रंस तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल की एक चेन है दोस्तों ये, और आप देख सकते हो ये शेयर भी आज के दिन 7% की रैली कर चुका है दोस्तों। 571 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है ये शेयर। और देखिए ये शेयर 13 मई को लिस्ट हुआ है दोस्तों, 456 रुपीज़ पे लिस्ट हुआ था, और लिस्टिंग के बाद ये शेयर क्रैश भी हुआ था दोस्तों, और वहाँ से कंपनी ने ज़बरदस्त रिकवरी की, और आज देख सकते हो 571 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है दोस्तों। 25% की रिटर्न दे चुका है अभी तक ये शेयर। और देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप है 5800 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों, तो ठीक ठाक मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों इस कंपनी का, और ये भी स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, तो ये भी सभी अभी आईपीओ लिस्टेड है दोस्तों, तो ये कंपनियां अभी स्मॉल कैप है। अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे दिखाती है ईयर ऑन ईयर, तो ये कंपनी मल्टीबैगर कंपनी भी बन सकती है दोस्तों। तो ऐसे शेयर पर आप फोकस रखिए दोस्तों, और छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करते रहिए अपने पोर्टफोलियो में, और ये शेयर के आप क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते रहिए कंटिन्यूअसली, और तब जाके आपके शेयर के मल्टीबैगर शेयर बन सकता है दोस्तों। अदरवाइज शेयर गिर रहा है, शेयर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, Q1 Q2 का परफॉर्मेंस देखिए और बाद में इन्वेस्ट करने की सोचिए दोस्तों। अभी तो बुल रन में भाग रही है शेयर, अभी अभी लिस्टेड है इस वजह से भाग रहे दोस्तों, मगर ये शेयर अभी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा तो आगे भाग सकता है दोस्तों, अदरवाइज गिर भी सकता है, तो थोड़ा कॉशियसली इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। स्टॉक है दोस्तों मेट्रो ब्रांड्स। मेट्रो ब्रांड आप देख सकते हो आज के दिन 5% की रैली हो चुकी है दोस्तों, 826 रुपीज पे क्लोज हुआ है दोस्तों। तो ये शेयर जबरदस्त भाग रहा है क्योंकि इस कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पेश किए दोस्तों, जबरदस्त रिजल्ट पेश किए दोस्तों अभी अभी, और ये शेयर राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी है दोस्तों, और बहुत बड़ी क्वांटिटी है उनके पास दोस्तों, 10% स्टेक है दोस्तों उनके पास मेट्रो ब्रांड का, और आप देख सकते हो अभी 800 रुपीज पे चल रही है ये शेयर। और ये भी कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है दोस्तों, आप देख सकते हो December 21 में ये कंपनी लिस्ट हुई है दोस्तों 470 रुपीज पे, और तब से लेके ये कंपनी रैली ये कर रही है दोस्तों, 600 रुपीज पे कंसोलिडेट कर रहा था दोस्तों शेयर, और जैसे ही कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पेश किए तगड़ा रिटर्न दे रही है दोस्तों कंपनी। आप देख सकते हो मैक्सिमम अभी तक इस शेयर ने 75% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए दोस्तों, और इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए दोस्तों 22,000 करोड़ मार्केट कैप है दोस्तों इस कंपनी का, तो ये कंपनी जबरदस्त कंपनी है दोस्तों, और इनका बिजनेस ये कंपनी कॉम्पीट करती है दोस्तों बाटा रिलैक्सो इनके साथ, इस कंपनी का कॉम्पिटिशन है दोस्तों, और ये भी इनकी चेन है दोस्तों, इनके स्टोर्स बहुत ऑल इंडिया पैन इंडिया बोलोगे तो भी चलेगा, पैन इंडिया इनके स्टोर फैल चुके हैं दोस्तों, और सभी मेजर सिटी में इनके स्टोर्स है दोस्तों मेट्रो ब्रांड के। और नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों एचपी एडेसिव लिमिटेड। आप देख सकते हो इस शेयर में भी आज 5.86% की रैली हो चुकी है दोस्तों, 421 रुपीज़ पे ये शेयर क्लोज हुआ है दोस्तों आज के दिन, और आप देख सकते हो ये अभी तक इस शेयर ने 4.75% के रिटर्न दिए दोस्तों, और ये शेयर लिस्टिंग के बाद उतना भागा नहीं है दोस्तों, और अभी ये रिकवरी कर रहा है दोस्तों, करेक्शन के बाद ये शेयर अभी रिकवरी कर रहा है दोस्तों, और आप देख सकते हो मैक्सिमम ये शेयर भी December 21 में ही लिस्ट हुआ है दोस्तों, और मैक्सिमम इसने 4% के रिटर्न दिए दोस्तों। इसमें रिस्की फैक्टर एक है दोस्तों, ये बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, माइक्रो कैप बोलोगे तो भी चलेगा, 772 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों, 1000 करोड़ के भी नीचे मार्केट कैप है इस कंपनी का, तो बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, माइक्रो कैप बोलोगे तो भी चलेगा दोस्तों, और ये कंपनी एडेसिव में काम करती है दोस्तों, तो ये मोनोपोली टाइप बिजनेस भी बोल सकते हो आप, जैसे ये पीडी लाइट वगैरह बिजनेस करती है दोस्तों, वैसा बिजनेस है इस कंपनी का, और ये कंपनी बहुत छोटे पैमाने पे बिजनेस है दोस्तों इनका, छोटे पैमाने पे बिजनेस है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो इनको मार्केट गेन करने में बहुत ही कम समय लग सकता है दोस्तों, क्योंकि छोटी कंपनी को बड़ा बनने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है दोस्तों, इजीली बन जाती है, मगर बड़ी कंपनी को अपना ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना, अपने रिजल्ट मेंटेन करना बहुत ही उनको चैलेंजिंग रहता है दोस्तों, तो ये कंपनी आगे जाके अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है दोस्तों। अभी तो ये करेक्शन से ही उभर रहा है दोस्तों, मगर ये शेयर आगे जाके रैली कर सकता है दोस्तों, और ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बना के दे सकता है दोस्तों। अभी तक हमने 4 शेयर देखे दोस्तों, ये सभी 4 शेयर अभी अभी लिस्टेड कंपनी है दोस्तों, और ये
सभी कंपनियां आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बना के दे सकती है दोस्तों, क्योंकि कभी ना कभी सभी बड़ी कंपनियां स्मॉल कैप होंगी दोस्तों, और बाद में उन्होंने अच्छे रिजल्ट पेश करके अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के ये कंपनियां बड़ी बन चुकी है दोस्तों, लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक बन चुके दोस्तों। HDFC बैंक भी कभी ना कभी स्मॉल कैप कंपनी ही होगी दोस्तों, और इस उन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया है दोस्तों, अच्छे रिजल्ट पेश किए, अच्छा बिजनेस किया, और ये कंपनी आज इस मुकाम पर पहुंच गई है दोस्तों। तो ये कंपनियां भी आप 20 साल बाद देखोगे तो ये कंपनियां भी लार्ज कैप हो सकती है दोस्तों, तो आपको पिक करना आना चाहिए दोस्तों, और पिक करके उसके रिजल्ट भी चेक करने पड़ते हैं दोस्तों। अदरवाइज आपने एक बार खरीद लिया और भूल गए, ऐसा किया तो आप रिटर्न नहीं बना पाओगे दोस्तों, और ये आप वेल्थ भी क्रिएट नहीं कर पाओगे अगर ऐसे करोगे तो। आपको ट्रैक उनके रिजल्ट चेक करने हैं, क्वार्टरली रिजल्ट चेक करने हैं, शेयर का परफॉर्मेंस कैसा है वो देखना है, बहुत सारी चीज़ें रहती है दोस्तों, आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा, और बाद में आप उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप देखिए राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन को कब होल्ड किया है दोस्तों, वो भी तब स्मॉल कंपनी स्मॉल कैप स्टॉक ही था दोस्तों, और उस कंपनी ने अभी तक मल्टी बैगर रिटर्न दिए दोस्तों। शेयर गिरने के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए दोस्तों, ये कंपनी बाद में बाउंस बैक करेगी, इसको भी ये रिकॉर्ड भी तोड़ देगी, तब जाके आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे दोस्तों। अदरवाइज थोड़ी सी गिरावट हो गई आप निकल जाते हो, तो आप कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।